हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली यादव रेसिपीज़ एंड ब्लॉग। तो आज है 5 तारीख और अभी बज रहे हैं शाम के 7:15। तो अभी मुझे बनाना है खाना। मैं आप लोगों से बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ क्योंकि मुझे स्किन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ये पिंपल दिख रहा होगा, इतने सारा पूरा स्किन मेरा इतना बैंड बच चुका था। मैंने कान में भी इस वजह से कुछ नहीं पहना, मैं बिंदी भी लगा रही थी तो मुझे फेस पे इचिंग इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी, आईज़ में इचिंग हो रही थी। तो काफ़ी टाइम के लिए मैं जो है ऑफ़ कैमरा थी, मैं कैमरा फेस नहीं कर रही थी क्योंकि वो सिचुएशन नहीं थी मेरी कि मैं कैमरा फेस करूं। तो अभी थोड़ा सा मेरा फेस का हालत जो है ठीक हुआ है तो मैंने सोचा चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो फ़िलहाल तो बनाना है खाना, मुझे दाल बन गई है, चावल और रोटी बनाना है। और बाल देखो ना मेरे कितने पतले हो गए। इतना हेयर फॉल होता है, अगर आप लोगों को कोई भी हेयर फॉल शैम्पू पता है, ऐसे मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं बट मुझे जो है जो रिज़ल्ट चाहिए था, जो इफ़ेक्ट चाहिए था, मुझे नहीं मिला। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं अपने बालों के लिए क्या यूज़ करूँ। जैसे लगता है मर गए हैं ये, पहले जिंदा थे अब मर गए, इनमें जान नहीं बची है, बिल्कुल रूखे बेजान से हो गए हैं। सीनू के हाथ में क्या दिखा दो, कौवा बन गया, कौवा बन गया मम्मा, कौवा बन गया चिड़िया रानी। पनीली सीनू स्मार्ट वॉच पहन रहा है क्या? अच्छा किसकी है ये वॉच, किसकी है? तोड़ना नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? तो मेरा बेड जो है ख़राब हो चुका था यहाँ पे, तो इसको जो है मुझे रेक्सीन इसकी चेंज करवानी थी। ख़राब तो एक ही तरफ का हुआ था बट दोनों तरफ का कराना पड़ा क्योंकि एक तरफ का कराने से फिर कलर चेंज हो जाता। तो मैंने सोचा जब पूरा चेंज हो ही रहा है तो क्यों ना थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करवा दूँगी। तो यहाँ पे ये जो है दोनों जो गद्दी लगी थी इसमें ये भैया निकाल के ले गए थे, बाद में ये बना के लाए थे, दूसरे तीसरे दिन लेके आए। अच्छा चाकू से, चलो जाओ। है ना, अब तीनों जा रहे थे बुआ के साथ तो ये गए थे 2-3 घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैंने जो ये सब निकाला था इन्हें भैया ने वो गद्दा वगैरह वहाँ काफ़ी कूड़ा हो गया था तो फिर मैंने क्लीन किया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। और फिर ये है दूसरे दिन का वीडियो, ये लेके आए थे बना के अपना। इस बार तो थोड़ा सा सीधा सीधा था, छोटी छोटी सी लंबी लंबी गद्दी थी जो कि 4-4 लगे थे दोनों तरफ, 8 टोटल थी गद्दियाँ। तो इन्होंने इसमें सेट कर दिया था बेड में और थोड़ा सा कलर इसमें चेंज लग रहा है बट ठीक है, अब सेम कलर तो नहीं मिल सकता, क्या कर सकते हैं, जो भी था लगवा लिया बट अच्छा लग रहा था, काफ़ी थोड़ा सा चेंज लग रहा था काफ़ी टाइम के बाद। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है ये बेड शीट और ये जो गद्दी है इसका कलर एकदम रेक्सीन का सेम लग रहा है, मैचिंग मैचिंग। तो यहाँ पे मुझे फिर बनाना था उसके बाद खाना, तो मुझे बनाना था मटर पनीर। तो मैंने लिए थे कुछ टमाटर और प्याज को कट कर लिया था, लहसुन लिए थे, कुछ बादाम लिए थे, 2 हरी मिर्च लिए थी, 8 से 9 बादाम लिए थे। उनको जो है बाद में मैंने इसमें तेल में फ्राई करने के बाद में जो है उसका छिलका निकाल दिया था। काजू नहीं थे इसलिए मुझे बादाम लिए लेने पड़े, नहीं तो मैं काजू ही डालती। तो यहाँ पे जो है कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा तेल और प्याज को सौटे कर लूँगी 2 मिनट, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है।
जिंजर का जो टुकड़ा था वो डाला है, लहसुन डाला है और हरी मिर्च डाली है, और 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। आप लोग हो सके तो जिंजर को जो है ग्रेट करके डालना, क्योंकि मैंने इसको इसमें इतनी देर भुना उसके बाद जार में पीसा, बट मेरा जो है नहीं वो टुकड़ा वैसे के वैसा रहा, क्योंकि मेरे जार के ब्लेड थोड़ा सा शार्प नहीं है। तो इसको इस तरीके से सॉटे करने के बाद ठंडा कर लिया, उसके बाद पीस लिया, कढ़ाई को साफ़ कर लिया, और इसके बाद इसमें डाला है तेल, और तेल को हीट होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर के क्यूब्स फ्राई करने के लिए। पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को फ्राई करने के बाद हमने एक बाउल में लिया था थोड़ा सा पानी, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और पनीर को उसी में डाल दिया था जब तक कि मसाला हमारा पका था। पनीर को डाल के छोड़ दिया था। इससे क्या होगा कि पनीर के क्यूब्स जो है थोड़ा सा फूल जाएंगे, तो 7 से 8 मिनट लग गए मुझे पनीर को भुनने में। तो इसको भुनने के बाद निकाल लेंगे अलग बाउल में, जिस जो पानी रखा हुआ था। उसके बाद ये वाला तेल जो है हमने हटाया नहीं था, उसी में हमने डाल दिए थे कुछ खड़े मसाले, 2 हरी इलायची, 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा जीरा और 2 काली मिर्च। आप चाहें तो अपनी पसंद और टेस्ट के अकॉर्डिंग खड़े मसाले बढ़ा सकते हैं, बट मेरे पास जितने अवेलेबल थे मैंने वो डाले। और ये है प्यूरी जो कि हमने बना के रखी थी, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, पूरा वो सब। तो इसमें डाल के इसको इसी तरीके से पकाएंगे। हल्का सा पानी डाल के हमने इसको पीसा था, क्योंकि नहीं जो ये है अच्छे से नहीं पिसा था, तो इसमें बहुत छींटे आ रहे थे, तो मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया था और लो मीडियम पे एकदम पकाया था इसको। तो 10 मिनट हमें लग गए थे टोटल इसको पकाने में। तो यहाँ पर ढक्कन लगा के पकाए, देखिए कितना ज़्यादा मसाला उठ के आया था इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो है डालेंगे मसाला। हमने लिया है धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून से भी कम लिया है जीरा, एंड 1/2 टेबल स्पून से भी कम लेंगे हल्दी। हल्दी मैंने बाद में डाली थी, एक्चुअली मैं भूल गई थी। यहाँ पे मैंने डाला है सुहाना का मटर पनीर मसाला, जिसकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग डाली है। मैंने तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डाली थी, क्योंकि उसमें टेस्ट बढ़ जाता है कितना ज़्यादा ये मसाला डालने से। आप लोग ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। एंड इसमें यहाँ पे डाल दिया था नमक। हल्दी डालना मैं भूल गई थी, तो मैंने लास्ट में डाल था, लास्ट में क्या थोड़ी देर के बाद मैंने डाल दिया था। और इसको कर देंगे मिक्स थोड़ा सा पानी डाल के। आप लोग चाहें तो ऐसे भी इसको पका सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने पका दिया था, बाद में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था 2 से 3 चम्मच। एंड इसको अच्छे से भुनना है हमें, काफ़ी टाइम लग जाता है इस वाले प्रोसेस में हमें, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग टास्क रहता है इतना ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया था फ्रेश मलाई, जो कि रात में दूध बॉईल करके रखा था मैंने, उसी पे जो मलाई थी वही डाली थी। आप लोग चाहें तो कुकिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मलाई को डाल के अच्छे से कर देंगे मसालों के साथ मिक्स। एंड ये देखिए हल्दी मैंने अब इस स्टेज पे डाला था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो भूल गई थी मैं, तो हल्दी को डाल देंगे और अच्छे से कर देंगे मिक्स। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरीके से एकदम डेलीशियस लाजवाब सब्ज़ी बनने वाली है आपकी। और अभी हमने डाला था थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, और यहाँ पे डाल दिए थे मैंने क्रश करके हाथों से कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने से ना एकदम फ्लेवर, खुशबू इसकी एकदम चेंज हो जाएगी, और बहुत ही अमेजिंग डिश बन के रेडी होगी। एंड इसको कर दिया है मिक्स, और अच्छे से थोड़ी देर 2-3 मिनट और भुनने के बाद अभी इसमें जाएगा जो हमने पनीर भुन के रखा था, और मटर को पील ऑफ कर लिया था। ठंडियों में तो मटर इतने बढ़िया और आते हैं, जो कि फ्रेश मटर रहता है, तो उससे भी सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा और अच्छा डिलीशियस हो जाता है। तो यहाँ पे डाल देंगे पनीर के क्यूब्स जो कि वाटर में भिगो के रखे थे। साइज़ में काफ़ी डिफरेंस आ गया था। और ये देखिए डाल देंगे यहाँ पे मटर जो कि पील ऑफ करके रखा था, फ्रेश मटर, और कर देंगे मिक्स। और इसमें डालेंगे पानी। आप लोग जितनी ग्रेवी चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग पानी डालिए। मैंने तो ज़्यादा पानी नहीं डाला था, क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए थी। तो आप लोग अपने टेस्ट और अपने पसंद के हिसाब से डालिए पानी। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद डाल देंगे पानी,
और पानी डालने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, जैसे भी आप चाहें, तो इसको अच्छे से पका लीजिए और उसके बाद फिर गर्मा गर्म सर्व कीजिए ठंडा होने के बाद। तो यहाँ पे पानी डाल के पूरा इसको चला लेंगे एक बार और ढक्कन ढक के पकाएंगे हम 5 से 6-7 मिनट तक, जैसे भी आप चाहें। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी देखिए बन पक गई है पूरी, तेल पूरा उज़ आउट हो चुका है। मैं दूसरे फ़ोन से ले रही थी कुछ पिक्चर्स थंबनेल के लिए, और ये हमारी सब्ज़ी इतनी लाजवाब बनी है कि आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, फिर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा कि आप लोगों का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी वो भी मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसके बाद फिर दूसरे दिन वीडियो है सब मस्ती कर रहे थे, और ये लाइक यहाँ का फेमस हस्ता बोलेंगे इसको, मुझे तो बहुत पसंद है ये। और आज मौसम देखिए कैसा है, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था देख के। और ये आया था मेरा पार्सल, तो वॉशिंग मिलते हैं आप। कहाँ क्या है बेटा? ये कॉलेज, ये कॉलेज देखो क्या है, देखो पर देखो देखो, ओपन ओपन करके दिया है पार्सल। और नहीं और क्या लोगे बाद में? और गिर गया क्या? गिर गया क्या सीन है? उठो उठो, कहाँ यहाँ लग गया? ओ चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलो